आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा चावला और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। देश के सभी स्मारकों की तुलना में विश्व के 7वें अजूबे ताजमहल से भले ही सबसे ज्यादा कमाई होती हो, पर यहाँ अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहता है। ताजमहल के पूर्वी गेट में प्रवेश को लेकर दो पर्यटकों के बीच में जमकर लात घूंसे चल गए। वहीं पश्चिमी गेट पार्किंग के बाहर अवैध गाइडों द्वारा शॉपिंग का दबाव बनाने पर एक पर्यटक ने पुलिस को ट्वीट कर मदद मांगी और जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि पहला वाकया ताजमहल के पूर्वी गेट का है, जहां पर भीड़ लगी हुई थी। लाइन में अव्यवस्थाओं के बीच अंदर प्रवेश को लेकर परिवार संघ छत्तीसगढ़ से आए नवीन जैन का गोरखपुर के रविंद्र कुमार से झगड़ा हो गया। बात मारपीट तक पहुंच गई और रविंद्र के माथे पर चोट लग गई। ताज सुरक्षा पुलिस ने उनको फर्स्ट एड दिया और उसके बाद बातचीत में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। ताजमहल के पश्चिमी गेट की पार्किंग के बाहर लपकों का आतंक रहता है। यहाँ गाड़ी आते ही पर्यटकों को ठगने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। पूर्व में यहाँ अनअप्रूव गाइडों को हटाया गया था, पर अब एक बार फिर गाइड वहां खड़े होने लगे हैं। इन गाइडों के द्वारा गोल्फ कार वाले से सेटिंग करके पर्यटकों को वहीं रोका जाता है और गाइड लेने या शॉपिंग करने का दबाव बनाया जाता है। दूसरा वाकया शाम 4 बजे के लगभग का है, जहां एक पर्यटक इतना परेशान हो गया कि उसने तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को ट्वीट कर मदद मांग ली और खूब हंगामा किया। आगरा पुलिस के निर्देश पर ताज सुरक्षा पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। ताजमहल पर पर्यटकों को ठगने वाले लपकों का आतंक खत्म करने के लिए प्रशासन ने एक SDM की तैनाती की है। SDM के नियुक्त होने के कुछ दिन तक तो लपकों पर कार्रवाई हुई, पर फिर वही माहौल हो गया। ताजनगरी आगरा में मोहब्बत की निशानी ताजमहल पर लपकों का आतंक सड़सड़ कर बोल रहा है। यह अवैध गाइड या लब के लगातार देसी विदेशी सैलानियों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। प्रशासन द्वारा इन लपकों की रोकथाम के लिए पहले एक SDM की तैनाती की गई थी। पुलिस बल भी दिया गया था, जो कि अब नदारद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये लपके अपने पॉइंट्स पर देसी विदेशी सैलानियों को रोकते हैं, जहां पर ये धड़ल्ले से अपनी इस ठगी को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद ताजनगरी आगरा की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ मैं अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज, आगरा।